जय श्री कृष्ण, जय भगवान सहस्त्रार्जुन। मैं एमके जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका करवत स्वागत करता हूं। और आज का विषय है भगवान सहस्त्रार्जुन का जन्म उत्सव। साथियों, इस विषय पे मेरी जो जानकारी है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अगर इसमें कुछ भूल हो तो उसे क्षमा करना। भगवान सहस्त्रार्जुन का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के श्रावण नक्षत्र में प्रातः काल के बेला में हुआ था। इनकी माता का राम महारानी पद्मिनी और पिता कीर्तवीर्य थे, जो चंद्रवंश के उत्तम कुल के राजाओं में एक थे। इनका बचपन का नाम एक वीर और अर्जुन था। चंद्रवंश के महाराजा कीर्तवीर्य के पुत्र होने के कारण इन्हें कीर्तवीर्य अर्जुन भी कहा गया। इनका जन्म महाराज है के 10वीं पीढ़ी में हुआ था। इनके अन्य नाम है यादिपति, 10 ग्रीव विजयी, सूदसेन, चक्रावतार, सप्तद्रवी उपाधि, कीर्तवीर्य नंदन भी है। ये राजाओं के राजा होने के कारण इन्हें राजराजेश्वर भी कहा जाता था, जो आगे चलकर महिष्मती राज्य जो नर्मदा नदी के किनारे बसा था वहाँ के महाराज बने। इनके कुल ने 12,000 वर्षों से अधिक तक महिष्मती पर सफलतापूर्वक राज किया। इन्होंने कठोर तपस्या करके दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया था। उनसे प्राप्त वरदानों में एक महत्वपूर्ण वरदान ये भी था कि इन्हें आवश्यकता अनुसार सहस्त्र भुजा प्राप्त हो जाएगा। इसी कारण इन्हें सहस्त्रबाहु भी कहा जाता है। इनकी जयंती धर्म की रक्षा, सामाजिक उत्थान और एकता के उद्देश्य मनाई जाती है। इनकी जयंती कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हर वर्ष मनाई जाती है। कहा जाता है कि इन्होंने राम से पहले रावण को पराजित भी किया था। तो दोस्तों, यह थी आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर यह लिखना न भूलें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय भगवान सहस्त्रार्जुन।